गुनाह की गलियों से सियासी सफर पर निकले उन सियासतदानों का सच जिनके दामन पर यूं तो गुनाह की कालिक लगी है, लेकिन सियासी गलियारों में उनके उसी गुनाह ने दी है उन्हें एक अलग पहचान। बेशक वो खुद को आवाम का रहनुमा कहते हों, लेकिन जनता की जुबान में उन्हें कभी अपराधी तो कभी बाहुबली कहा जाता है। आज हम ऐसे ही सियासी चेहरे की वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसके लिए किसी पार्टी के पोस्टर पर उसका नाम चस्पा हो इस बात की ज्यादा कोई अहमियत नहीं थी। उसने सियासी गलियारों में दस्तक दी तो निर्दलीय चुनाव जीतकर। एक वक्त था जब बिहार में बुलेट के दम पर बैलेट पर कब्जे की तमाम रणनीति उस शख्स की चौखट पर तय होती थी। जी हाँ, वो नाम है सूरज भान सिंह। मोकामा के शंकरवार टोला से ताल्लुक रखने वाला वो सूरज भान जिसे सियासी समर में कभी शिकस्त नहीं मिली, चाहे वो खुद चुनाव लड़ा हो या फिर उसकी पत्नी। सवाल उठता है कि सियासी सफर में सूरज भान की इस कामयाबी के पीछे राज क्या है। यकीनन इसका जवाब जानने के लिए हमें सूरज भान के अतीत के कुछ पन्नों को पलटना होगा। वो तारीख थी 5 मार्च 1965 जब मोकामा के एक साधारण परिवार में सूरज भान का जन्म हुआ। बचपन से ही गुनाह का रास्ता अख्तियार कर लिया था सूरज भान ने, जिससे उसके घरवाले उससे खफा रहने लगे, लेकिन घरवालों की नाराजगी की परवाह ना करते हुए उसने वही किया जो उसने चाहा। नतीजा, पुलिस फाइलों में सूरज भान के खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। कहा जाता है कि सूरज भान की आदतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना, जिससे परेशान सूरज भान के पिता राजनंदन सिंह ने गंगा में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। और उसके कुछ दिन बाद ही अपने भाई की आदत और पिता की मौत से आहत सूरज भान के बड़े भाई ने भी मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। घर से दो दो जनाजे जरूर निकले, लेकिन सूरज भान ने पलट कर नहीं देखा। 90 के दशक में उसकी अदावत उस वक्त के बिहार के सबसे बड़े डॉन अशोक सम्राट से थी। अशोक सम्राट ने सूरज भान पर जानलेवा हमला भी किया था, लेकिन अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत के बाद तो मानो वो गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के रास्ते पर निकल पड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे सरगनाओं का साथ मिला और फिर बुलेट के दम पर बन गया बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली। वो सूरज भान सिंह का बाहुबली था कि पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से मोकामा विधानसभा से सियासी समर में कूदा और बैलेट बनाम बुलेट के फार्मूले पर अपने विरोधी को शिकस्त देकर मोकामा से पटना विधानसभा तक का सफर तय किया। निर्दलीय विधायक जीतने के बाद बहुत जल्द सूरज भान ने अपने बाहुबल का परिचय सियासी गलियारों में भी दे डाला। बेशक खादी पहनने के बाद उसने सियासी सलीका सीखने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि बिहार की राजनीति में पहला और आखिरी इम्तिहान बाहुबल के दम पर ही पास किया जा सकता है, लिहाजा खादी के खोल में छिपकर भी गुनाह को अंजाम देने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। जिस किसी ने भी इस बाहुबली नेता के हुक्म की नाफरमानी की उसे उसकी मुकम्मल सजा दी गई। किसी को सियासी समर में मात तो किसी को बीच चौराहे पर मौत देकर। बिहार की राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में भी सूरज भान सिंह का नाम आया, लेकिन इस बाहुबली की ठसक में कोई कमी नहीं दिखी। अब इसे सियासी समर में बाहुबल का असर ही कहेंगे ना कि विधायक बनने के बाद उसने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो भी बलिया से, और यहाँ भी उसने अपने विरोधियों को पटखनी दे डाली और पहुंच गया देश की सबसे बड़ी पंचायत में। बाहुबल के दम पर जनता के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था सूरज भान सिंह ने। बुलेट के दम पर बैलेट पे भी असर डालता रहा और नोट को वोट में इन्वेस्ट कर सियासतदान होने का
खिताब भी खरीद लिया। लेकिन सच कहें तो उसकी दूसरी जीत के साथ ही उस मौके पर सियासत के माहिर खिलाड़ियों ने भी उसकी हैसियत को नोट कर लिया था। यूं तो सूरजभान सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करने की चाह हर पार्टी के शीर्ष नेताओं को थी, लेकिन सूरजभान ने हाथ थामा लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया राम विलास पासवान का। अब पार्टी के पोस्टर पर सूरजभान सिंह का नाम चस्पा हो गया। पार्टी ने फैसला लिया है सूरजभान जी के संबंध में कि सूरजभान सिंह को यहां से, अगर कहते हैं कि यहां से उम्मीदवार बनाया जाए। अब सूरजभान सिर्फ सूरजभान नहीं रहा, बल्कि बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह के नाम से जाना जाने लगा। आपसे बहुत उम्मीद, विश्वास बिहार की जनता का है और आप सबों का आशीर्वाद रहा तो रामविलास पासवान जी एक दलित का बेटा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। बेशक सूरजभान सिंह सियासी गलियारों में पहुंच चुका था, लेकिन गुनाह की गलियों से उसका नाता चलता रहा और चलती रही अदालती कार्यवाही। और उसी दौरान सांसद सूरजभान सिंह को हत्या के एक मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। बेशक अदालत के आदेश के बाद सूरजभान सिंह को जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल का ये सफर उसके लिए परेशानी का सबब नहीं थी, क्योंकि जेल से तो उसका पुराना नाता था। जेल वो जगह थी जहां उसकी अपनी सरकार चलती थी और वहां सूरजभान सिंह के हुक्म की नाफरमानी करने की जरूरत किसी की नहीं थी। गुनाह की गलियों से सियासी सफर पर निकले सूरजभान सिंह की जिंदगी में दो मर्तबा सियासी समर में जीत मिली, लेकिन अदालत से सजा के ऐलान के बाद उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई। लेकिन जनता के बीच ठसक अभी बची थी, लिहाजा सियासी कसक पूरी करने के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान में कूद पड़ा। लेकिन इस बार चेहरा बनी सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। 2014 में मुंगेर लोकसभा से चुनाव मैदान में कूदी। बेशक सियासी समझ शून्य थी, लेकिन पति के बाहुबल के असर ने जीत का रास्ता तय कर दिया और पत्नी भी पहुंच गई देश की सबसे बड़ी पंचायत में।